Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So yesterday we have discussed the question paper of PT 2. So I hope you all clear your doubts and queries. So today we have start our new chapter, chapter 6, fractions. Chapter 6, fractions. Fractions. Fractions, a fraction is a part of a whole. A fraction is a part of a whole means एक बहुत बड़ी कोई चीज का एक चीज का कोई पार्ट. फ्रैक्शन मतलब जैसे हम एप्पल खाते हैं, एप्पल का जब हम पार्ट्स करके खाते हैं तो उसको उसके एप्पल के फ्रैक्शंस कहते हैं. जैसे अ होल फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. इट रिप्रेजेंट्स वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट. इट मीन्स कि जैसे हम एप्पल को कट करते हैं, एप्पल को कट करते हैं तो पहले वो हाफ हो जाता है, फिर उसको और कट करते हैं तो वो फोर पार्ट्स में हो जाता है. तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को. क्लियर? फ्रैक्शंस को हम डिनोट करते हैं लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 3/4. जो अपर नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वन नंबर को इसको न्यूमरेटर, अपर नंबर भी कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर नंबर भी कॉल्ड डिनोमिनेटर. अपर नंबर को हम क्या कहते हैं, अपर नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड द लोअर नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर. और जो ये बीच में लाइन होती है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन बार. इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार, डिवीजन बार भी कह सकते हैं, बट इसको अभी हमारा चैप्टर फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन बार बोलेंगे. फ्रैक्शन बार, अपर नंबर वी कॉल न्यूमरेटर, लोअर नंबर वी कॉल डिनोमिनेटर. और जो ये लाइन होती है बिटवीन इनके, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार. क्लियर? ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो हमारी ये बीच में सेंटर में लाइन होती है इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं. क्लियर? द पार्ट्स ऑफ द होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. सो फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शन फर्स्ट टॉपिक इज हाफ. इन फ्रैक्शन फर्स्ट टॉपिक इज हाफ. हाफ, when a whole is divided into two parts, it means किसी भी चीज को हम two parts में divide करते हैं, two equal parts में, तो उसको क्या कहते हैं, उसका half. Each part is half और one half of the whole. It means कि हम किसी भी चीज को, like मेरे पास ये sheet है, एक sheet है, इसको हम two parts में divide करेंगे, like this. ये देखो, अब हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो अब ये इसका क्या हो गया, इस शीट का ये क्या हो गया, ये हाफ. ये देखो, अब हाफ ऑफ करके इसके टू पार्ट्स आ गए, यहाँ पर हाफ ऑफ करके टू पार्ट्स हो गए. इट मींस व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज हाफ और वन हाफ ऑफ द होल. कि जब भी हम किसी भी एक चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो उसका एक पार्ट उसका हाफ हो जाता है. क्लियर? हाफ इज रिटन एज, हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, रिटन एज 1/2. हम फ्रैक्शंस में हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2. क्लियर? सेकेंड पार्ट इज क्वार्टर. क्वार्टर मतलब मीन्स 1/4. क्वार्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्थ पार्ट. सो व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज क्वार्टर और 1/4 ऑफ द होल. जब भी हम किसी भी चीज को हम फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं, उसके फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं. जैसे हमने ये हाफ किया था, अब हम इसको फोल्ड करके फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फोर इक्वल पार्ट्स में
तो ये पार्ट क्या हो गया इसका, ये पार्ट तो हो गया 1/4। ये देखो ये शीट किस में आ गई, ये फोर इक्वल पार्ट्स में आ गई, फोर पार्ट्स बन गए 1, 2, 3, 4। तो इसका जो ये फोर्थ पार्ट है ये इसका क्वार्टर हुआ। क्लियर है, ये इसका क्वार्टर है। शीट को पूरा ओपन करेंगे तो ये फोर पार्ट है 1, 2, 3, 4। तो ये फोर्थ इसका क्वार्टर है, इसका एक पार्ट हमारा क्या होगा क्वार्टर। क्लियर, क्वार्टर क्वार्टर इज रिटन एज, क्वार्टर को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4। क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं 1/4। क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं, क्वार्टर इज रिटन एज 1/4। द फोर क्वार्टर्स मेक वन होल। चार अगर ये क्वार्टर होते हैं फोर, इसको मिलाकर क्या बनता है एक पूरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट इज 1/3। 1/3 व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज 1/3 ऑफ द होल। इट मींस किसी भी चीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो उसका ईच पार्ट ये सिंगल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं 1/3। तो कोई भी एक पार्ट को हम क्या कहेंगे उसके 1/3। लाइक फिर से एक शीट है मेरे पास, इसको मैंने 3 times फोल्ड कर दिया, 3 times फोल्ड किया। अब देखो इसके 3 पार्ट्स हो गए। क्लियर, 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको, 3 पार्ट्स में इसका जो ये पार्ट होता है सिंगल, कोई भी एक पार्ट उसको क्या कहते हैं हम इसके 1/3। ईच पार्ट क्या हो जाते हैं इनके 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर, वन थर्ड वी रिटन एज, 1/3 वी रिटन एज 1/3। 1/3 वी रिटन एज 1/3। नेक्स्ट इज 3/4। 3/4 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर आर शेडेड, द शेडेड पार्ट ऑफ द 3/4 ऑफ द स्क्वायर। इट मींस कि एक स्क्वायर है, इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए इक्वल, 4 पार्ट्स है तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर, मतलब 3 जो ये वाले हैं ये शेडेड, मतलब ये यूज्ड है, शेडेड है मतलब ये यूज्ड है। स्क्वायर आर शेडेड, द शेडेड पार्ट ऑफ 3/4 ऑफ द स्क्वायर, द शेडेड पार्ट जो इसके शेडेड पार्ट है यानी कि इन 4 में से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट का कितने पार्ट्स किए, तो हमने इस ऑब्जेक्ट के पार्ट कितने हैं 1, 2, 3, 4। तो अगर इसके ऑब्जेक्ट के 4 पार्ट है तो हम उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया 4। ठीक है, तो और जो यूज्ड है, यूज यानी जो शेडेड है उनके 1, 2, 3, दिस इज 3/4। जो हम पहले देखते हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स हैं वो है 4, लेकिन जो हमारे शेडेड जो यानी कि यूज हो गए वो है 3, तो उसको हम कहते हैं 3/4। कि किसी भी एक स्क्वायर के 3 पार्ट्स अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम कह देते हैं 3/4, क्योंकि एक हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, ये एक जो है हमारा ये 1/4 हमारे पास बचा है, तो इसके 3 जो है 3/4 वाले, मतलब कि जो 1/4 वाले 3 पार्ट है इसके हम यूज कर चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3/4। क्लियर है, तो 3/4 इज रिटन एज 3/4। 3/4 को कैसे लिखते हैं 3/4। क्लियर, नेक्स्ट इज 2/3। 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल आर शेडेड, द शेडेड पार्ट इज 2/3 ऑफ द सर्कल। 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल आर शेडेड, इट मीन्स कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, इट मीन्स एक सर्कल के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, उन 3 पार्ट्स के 2 पार्ट्स को हम शेडेड कर देते हैं। क्लियर, शेडेड
The shaded part of is 2/3 of the circle. कि इसमें क्या है कि पूरे इसमें जो उसके टू पार्ट्स को हमने शेडेड कर दिया, टू पार्ट्स को हमने इसके शेडेड कर दिया, तो अब इसका एक थ्री पार्ट हमारे पास खाली पड़ा है. तो सबसे पहले हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? थ्री. तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? हम थ्री. एंड हमने कितने पार्ट को शेडेड किया है? वन एंड टू. तो क्या हो गया? 2/3 इस सर्कल का, यानी कि जो पार्ट हम यूज कर लेते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं. जैसे कोई भी सर्कल है या यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हमने थ्री पार्ट करे, थ्री पार्ट्स में से टू पार्ट शेडेड कर दिए. जो शेडेड पार्ट होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं जो हम यूज कर चुके हैं, लेकिन जो टोटल पार्ट होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं. क्लियर? तो इसका मतलब होता है 2/3. द शेडेड पार्ट इज 2/3 ऑफ द सर्कल. जो शेडेड पार्ट होते हैं सर्कल के उसको हम क्या कहते हैं? 2/3. जो टू पार्ट यूज हो गए, थ्री में से अगर हमारे टू पार्ट यूज हो गए हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट में हमारे पास 12 पीसेस हैं. 12 पीसेस जैसे लाइक 4/4 पीसेस हैं. अब हमारे पास 12 पीस की चॉकलेट होगी. अब इसमें क्या है कि ये कितने हो गए? थ्री पार्ट कर दिए हमने 4/4 के इसको, 4/3 इक्वल पार्ट्स कर दिए. ये वाला पार्ट हमने यूज कर लिया, ये वाला पार्ट भी यूज कर लिया. अब हमारे पास क्या बची? ये वाली. तो हम इसको क्या करेंगे? 2/3. क्लियर? तो जो भी पार्ट शेडेड होता है उसको हम अपर साइड लिखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है इतना पार्ट यूज है, और जो हमारा टोटल होते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं. तो 2 parts out of 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल आर शेडेड. द शेडेड पार्ट इज 2/3 ऑफ द सर्कल. ये जो इसके दोनों पार्ट शेडेड है वो उससे क्या बनाते हैं? सर्कल का 2/3. क्लियर? So students, today you have no homework or no classwork. Only revise these parts of fractions and fraction. So I hope you all clear the concept of fraction and fraction parts. So thank you. Have a nice day.